हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा जेई एडवांस 2020, जेई एडवांस 2020 की एक प्रॉब्लम है जो कि पेपर वन में डिस्कस की गई है, आज पूछी गई है। और इसमें 4 मार्क का पॉजिटिव है बेटा, -1 का नेगेटिव है, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन को समझते हैं पहले। लेट L1 एंड L2 बी द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन्स। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, दूसरी एक स्ट्रेट लाइन L2 दी हुई है और एक स्ट्रेट लाइन दी गई। सपोज द स्ट्रेट लाइन L इज दिस लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2 एंड पासेज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इफ द लाइन L बाइसेक्ट द एक्विट एंगल बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। जब भी इज और आर ट्रू हो जाता है तो ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा, मल्टीपल चॉइस हो जाता है। तो पहला काम तो यह है कि आपके पास जो L1 दिया गया उसको लिख लेते हैं। L1 की जो वैल्यू दी गई है वह x-1/1 इज इक्वल टू y/-1 इज इक्वल टू दिया गया z-1/3। इसको अगर हम वैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आर वैक्टर इज इक्वल टू किस पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, 1, 0, 1 से। तो 1, 0 और 1 से, तो आई प्लस किया जाएगा, प्लस हम लिख लेते हैं लैम्डा। डायरेक्शन क्या बेटा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री कैप, ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड, अगर हम L2 के बारे में बात करें तो L2 भी ऐसी कुछ दिया हुआ, x-1/1 दिया गया -3 इज इक्वल टू y/-1 इज इक्वल टू दिया गया z-1/1 दिया गया, ठीक है ना? तो इसको भी अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा बेटा, किस पॉइंट से ज़्यादा, 1, 0 और 1 से पास हो रहा, तो आई और के आ गया। और प्लस हम लिख लेते हैं म्यू, और इसकी डायरेक्शन कैसे है, -3 आई कैप -j कैप एंड अब प्लस के कैप। तो अगर हम इस वेक्टर को देखें तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कॉमन है बेटा, इसका मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं वो एक्चुअल में एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं इस टाइप से, और ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो है 1, 0 और 1 है, ठीक है? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये L1 ले लेते हैं और इसे हम ले लेते हैं L2। और ये जो थर्ड लाइन है वो भी कहाँ से पास हो रही है, ऑब्वियस सी बात है वो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, पासेज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो ये जो है L पॉइंट पास हो रही है, और ये क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बाइसेक्टर। L1 इज द एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर अगर आपको निकालना है तो एंगल बाइसेक्टर बहुत सिंपल सा काम होता है। एंगल बाइसेक्टर निकालना आपको L1 और L2 का, तो एंगल बाइसेक्टर तो इस लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी बेटा तो वो इसी पॉइंट से पास होगी। और बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए एंगल बाइसेक्टर चाहिए आपको, तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हम लिख लेते हैं आर वैक्टर इज इक्वल टू किस पॉइंट से पास हो रही बेटा, आई प्लस के से पास हो रही है, एक पॉइंट हो गया। प्लस हम ये यहाँ पे एस लिख दिया बेटा डायरेक्शन के लिए, तो एस के साथ आपके पास डायरेक्शन आएगा। तो एंगल बाइसेक्टर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, इसके जो डायरेक्शन है वो है B1 मान लेते हैं, इसकी डायरेक्शन ने लिया B2 वेक्टर, और इनका एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा B1 वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड प्लस B2 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये सिंपल सा एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है जिसे आपको यूज करना है। अब सिंपल सी चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो आर वैक्टर इज इक्वल टू है आई प्लस के वैक्टर प्लस एस, और हम लोग बात करें यहाँ पे B1 वैक्टर जो दिया गया बेटा वो है i-j+3k डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड किया जाए तो 1+1+9, तो रूट आएगा 11 प्लस। अब B2 वैक्टर देखा जाए तो माइनस का 3i कैप -j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड का, तो 11 ही आएगा, ठीक है? तो i प्लस के कैप हो गया प्लस s, अगर हम बात करें इसको ऐड करने के तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो रूट 11 आ जाएगा। i-2i तो मतलब माइनस का 2i कैप हो गया, -j -j -2j कैप हो गया, 3+2 1 हो जाएगा तो 4k कैप हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से -2 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, -2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा आई कैप प्लस का के कैप और एस के साथ आएगा आपके पास -2/√11s और इन अ ब्रैकेट आएगा आई कैप प्लस जे कैप एंड अ -2k कैप।
अब इस पूरी क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस स्केलर क्वांटिटी की जगह हम एक नंबर कुछ और लिख सकते हैं, तो आई प्लस के कैप हो गया बेटा, और ये प्लस का हम इसे लिख सकते हैं एस डैश लिख देते हैं, और ये है आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। मतलब आपके पास जो लाइन एल की इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है। अब इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डायरेक्शन रेशियोज क्या है बेटा, वन वन एंड अब माइनस टू। और जो एक्चुअल हमें जो इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई थी बेटा, वो इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल दिया गया है इज इक्वल टू, देख लीजिए बेटा पहले एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल दिया गया है, वाई माइनस वन अपॉन एम है, और इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन माइनस टू दिया गया है, ठीक ना, ये दिया गया है। तो हमें सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिएगा आपको कहा गया है डायरेक्शन रेशियो क्या बेटा, वन वन माइनस टू, तो ये माइनस टू है, इसका मतलब है एल और एम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, वन वन आ जाएगी। तो एल एम की वैल्यू क्या आ गई, वन वन आ गई। ध्यान रखिएगा एल इजक्ल टू एम है, वन है, और एम इजक्ल टू वन है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल मैच कर गया, ठीक ना। नाउ अब आपके पास जो लाइन है वो एक्चुअल में क्या बेटा, एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, ये किस पॉइंट से पास हो रहा बेटा, ये पास हो रहा है वन जीरो वन से, तो पास हो रहा है वन जीरो वन से, तो इसको सेटिस्फाई करके लगा दीजिए बेटा, वन माइनस अल्फा अपॉन एल की वैल्यू है वन, जीरो माइनस वन अपॉन एम हो जाएगा, एम की वैल्यू भी क्या है बेटा, वन है, इज इक्वल टू जेड की वैल्यू है वन माइनस गामा डिवाइड बाई माइनस टू। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ से आएगा वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन, सो अल्फा इज इक्वल टू आएगा प्लस टू, अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी टू आ जाएगी। यहाँ से देखा जाए तो ये माइनस टू है, ये माइनस से प्लस टू हो जाएगा, टू इज इक्वल टू आएगा वन माइनस गामा, सो गामा इज इक्वल टू आएगा माइनस वन, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन आ गया। तो आप सारी चीज़ों को एक साथ लिख लेते बेटा, तो एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू वन आ गया, अल्फा इज इक्वल टू टू है, और गामा इज इक्वल टू आपके पास माइनस का वन है, इस सारी वैल्यूज आ गई। अब हम लोग इसके ऑप्शंस को मैच कराएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो दिया गया है वो देखिए, अल्फा माइनस गामा, पहला ऑप्शन क्या है बेटा, अल्फा माइनस गामा, तो अल्फा की वैल्यू है टू और गामा की वैल्यू है माइनस वन, अल्फा की वैल्यू क्या बेटा टू है और गामा की वैल्यू है माइनस वन। एक मिनट, इस मैच नहीं हो पाते फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पर देखते बेटा इसको यहाँ लिख लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ ठीक है क्वेश्चन दिख रहा है, और ये कंडीशन है, तो इसको हम थोड़ा यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, अल्फा की वैल्यू टू है, गामा की वैल्यू माइनस वन है, तो अल्फा माइनस गामा करेंगे तो टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, मतलब पहला ऑप्शन मैच कर जाएगा। एल प्लस एम की वैल्यू करेंगे तो एल प्लस एम इज इक्वल टू टू, तो ये भी मैच कर जाएगा, एल वन वन, ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा माइनस गामा की, तो अल्फा माइनस गामा करते तो क्या था बेटा प्लस, तो अल्फा माइनस गामा ये मैच नहीं करेगा, एल प्लस एम की वैल्यू ये मैच नहीं करेगी, मतलब ऑप्शन ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का केस, एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना होता है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर मालूम है तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।